लेकिन आप लोग जोगिंदर माथुर से अगर कहा जाए तो डायरेक्ट रूप से तो आप लोग खुश है। हम लोग दुकानदार हैं, इसीलिए हम लोग का जो मेन समस्या था उसके बारे में हम लोग, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र के विकास का बाकी तो 500 रुपए कर दिया गया था। हम लोग जोगिंदर बाबू को बोले तो इन्होंने भाड़ा हम लोग को कम करवा दिया। सही बात, ठीक है, पहले ज्यादा था फिर कम करवा। अभी हम गोमिया विधानसभा क्षेत्र के पेटरवार बाजार टाण में खड़ा है और बाजार टाण यहाँ बाजारों की जो काफी दुकान है, यहाँ दुकानदारों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सरकार के जो काम है यहाँ पर गोमिया क्षेत्र में, क्योंकि एक मंत्री का दर्जा प्राप्त विधायक है और एक वर्तमान विधायक है जो आसू का, ये दोनों को क्या कार्य रहा है, उसके बाद सरकार की क्या कार्य रहा है, इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे जानने के लिए और क्या आगे इसके बाद क्या सरकार को बरकरार रखेंगे, सरकार को बदलेंगे। तो आपका पहले शुभ नाम क्या हुआ? अली कुमार ठाकुर। बाइस को आपका स्वागत है। अभी जो देख रहे हैं कि चुनाव है, 20 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे, पहला चरण का 13 तारीख है, 2 दिन के बाद, और आज बहुत कम ही दिन बचा हुआ है, मुश्किल से सप्ताह भर मानिए। तो ऐसे में आपका जो कार्यकाल चल रहा है, यहाँ दो विधायक हैं, एक दर्जा प्राप्त है विधायक के रूप में, विधायक नहीं लेकिन दर्जा प्राप्त की मंत्री की एक विधायक है, एक दूसरी ओर की झारखंड सरकार की क्या कार्य है? बहुत अच्छा है कि हम लोग को अभी लाभ है। किस तरह का लाभ है? अभी इसे सबको दे रहा है 1000 रुपया करके, तो लाभ है ना, हम गरीब आदमी का दे रही है सरकार को, कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग और जगह जहाँ फीडबैक ले रहे हैं, ठीक, तो 1000 जो दे रही है, तो 1000 दे रही है अभी चुनाव के नजदीक में मात्र 3 महीना से, तो इसके पहले सरकार क्यों नहीं जानती? तो सरकार जान सके, हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन आगे भी देने की प्रक्रिया विकास की बात, विकास तो बहुत हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, जहाँ जहाँ भी रोड बची है सब तो तुम भी निकली है। अस्पताल की स्थिति? अस्पताल में भी ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? MD समीर अंसारी। क्या स्थिति है अभी, आपका विधायक कैसा है? लो, विधायक से तो हम लोग अपना जो समस्या था दुकान का, यहाँ पानी का समस्या था, हम लोग बहुत बार बोले लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए। वर्तमान विधायक? हाँ। उसके बाद फिर हम लोग इनको कुछ भाड़ा का भी हम लोग का इश्यू था इसमें बाजार में, भाड़ा हम लोग को 500 रुपया कर दिया गया था, हम लोग जोगिंदर बाबू को बोले तो इन्होंने भाड़ा हम लोग को कम करवा दिया। सही बात, ठीक है, पहले ज्यादा था फिर कम करवा दिया। ये तो दुकानदारों की निजी बात है, लेकिन उसके बाद भी जो आम जनता, हम लोग दुकानदार हैं, इसीलिए हम लोग का जो मेन समस्या था उसके बारे में हम लोग, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र के विकास का, हाँ, बाकी तो काम हो ही रहा, क्षेत्र में काम हो ही रहा है, दिक्कत नहीं, क्षेत्र में काम हो रहा है, प्लस भाड़ा वगैरह का जो हम लोग का समस्या था, दुकान का समस्या था, और हम कर ही रहे हैं। किसी तरह से और कोई जो सरकार की योजनाएं कार्य जो लाभकारी योजना ही होता है, उस योजना का लाभ जमीन का होता है, सरकार अच्छे काम कर, तो यहाँ कैसे फिर विपक्ष बोलते हैं कि सरकार को काम नहीं? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है कहना, उसमें कहा नहीं जा सकता है, विपक्ष तो कहेगा। लेकिन आप लोग जोगिंदर माथुर से अगर कहा जाए तो डायरेक्ट रूप से तो आप लोग खुश है? तो ये है कि जोगिंदर माथुर के कार्य से इन लोग खुश हैं, जो बाजार की समस्या मूलभूत समस्या आई थी उस समस्या को समाधान किए, यहाँ का स्थानीय विधायक के पास गए, लेकिन स्थानीय विधायक का ना होने के कारण फिर वर्तमान में दर्जा प्राप्त जो मंत्री हैं वो पूर्व के विधायक रहे हैं, तो उनके पास गए थे, इनकी समस्या की समाधान हुए। तो कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ पर अभी जो है वो जोगिंदर माथुर के पक्ष की बात कर रहे हैं, खैर आगे तो वक्त बताएगा, चूँकि 20 तारीख को पोलिंग और 23 तारीख को EVM से जो कितनी फोटी करते हैं उसके अनुसार से ही पता चल पाएगी कि क्या कार्य हुआ, क्या विकास हुआ, क्या विकास की गति है, इसके बाद ही निर्णय हो पाएगा। क्या बोलिए, सरकार का क्या काम रहा है, विधायक का क्या काम रहा है? सरकार का काम तो ठीक है, काम करो रूल के जो दुकानदारे हैं। अच्छा, सब आप लोग दुकानदारे हैं? हाँ, सब दुकानदारे हैं, मतलब मिला जुला कर अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा, तो सरकार नहीं बदलना चाहिए, वर्तमान में सरकार है वही बरकरार है, तो वर्तमान में जो सरकार है वो बरकरार रहने की बातें कर रहे हैं। खैर, आप देखिए हम लोग देखे
रखलक अबरी ओकरे देख हां ओकरे देख की नाम भेलो तोहर कोई नाम भेलो तो कोन गांव से छोटकी सात मास के महिला है सब्जी बेच रही है और इनका कहना है कि सबको बार बार देखें इस बार गरीब से बेटर जयराम मास्टर को भी देखना है खैर अब देखना है कि भी हमसे कितने जयराम मास्टर निकलते हैं देखो रोड तो मान गया अभी क्या हम लोग रोड से जीवन चल जाता है अभी क्या अस्पताल के क्या स्थिति इलाज हो रहा है इलाज दवा सही से मिलता है मिल रहा है स्कूल का स्कूल में देखते हैं बच्चा लोग तो जा रहा है पढ़ाई ठीक हो रहा है आपके बच्चे कितने हैं तीन बच्चे कौन कौन क्लास में पढ़ते हैं है वो दोनों दो बच्चा बी ए पढ़ रहा है बी ए में हाँ ये वो दूसरा क्लास में पढ़ रहा है बड़ी अंतराल हो गया बी ए और दूसरा तो बात है कि बीए पढ़ रहे थे बीए का जो सरकारी योजना बोले थे अमर सोरेन कि उन लोग को 5,000 रुपए करके दिया जाएगा वो मिल रहा है दिया तो 8,000 दिया क्या कर रहा था तो कुल मिला के दो बच्चे बीए पढ़ रहे हैं 8,000 रुपए मिला रोड में हुआ है कहना है कि मिला जुला के ठीक काम कर रहे हैं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल हर सामान पर 5% की छूट होम डिलीवरी की सुविधा भी आज ही पधारें केस्टो मार्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स कॉल 9153989339